इसमें आपके पास 2Na+ और SO4-2 है। एक्वेस है मतलब हमको वाटर कंसीडर करना है, H+ एंड OH-। अब चेक करें कौन सा कैटायन मूव करना चाहिए, सोडियम और हाइड्रोजन में से कौन जाएगा, बोलिए। सर हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन जाएगा। हाँ जी, और सल्फेट और OH में से OH माइनस। हाँ जी, तो H+ से तो H2 मिलना पक्का है कैथोड पर। और OH- से H2O+ O2 मिलता है एनोड पर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। मैच किया है सबका? यस सर। यस सर। फोर्थ के बाद फिफ्थ है कॉपर क्लोराइड। Cu+2, 2Cl-, अभी बताइए कॉपर और एच में से किसको जाना चाहिए? कॉपर। कॉपर। और Cl और OH में से? परफेक्ट। यस सर। Cu+2 से कॉपर आ गया। ये आपका कैथोड पर आ गया और 2Cl- से क्लोरीन आ गया एनोड पर। ठीक है, सही है सबका? गुड। यस सर। सिक्स का है PbBr2। कोई कॉपी कर रहा है क्या? क्यों भाई? नो सर। सर ठीक है, करना हो तो बता दीजिएगा, फिर मैं उसके हिसाब से रुक जाऊंगा। मतलब ये PbBr2 सॉल्यूशन और एक्वस में कुछ डिफरेंस है या क्या है? हाँ, PbBr2 में मैंने सॉल्यूशन लिखा है कि एक्वस लिखा है? सर सॉल्यूशन लिखा है तो सॉल्यूशन उसका लिखा है, मतलब पर मोल्टन है ना? हाँ उसका मतलब वाटर नहीं है वहां पे, ओ हाँ ओके सर। तो ऐसे ही आ जाएगा सीधे सीधे पीबी हाँ आपका। सर, पीबी आ जाएगा कैथोड पे और बीआर एनोड पे। सर और ब्रोमीन आपको एनोड पर आ गया। इसके बाद क्या था? AgNO3 का क्या था, सॉल्यूशन था कि एक्वेस था? एक्वेस्टा। एक्वेस्टा। Ag+ NO3-। अब बताइए Ag+ और H+ में कौन जाएगा? Ag+ Ag+ और और OH नाइट्रोजन माइनस। OH-। करेक्ट है, ये Ag आ गया कैथोड पर और OH- को बैलेंस करके करोगे। ये आपका एनोड पर आ गया। ठीक है, एट्थ बोलिए क्या है सर सर? HCl HCl एक्वस। एक्वस। अच्छा HCl एक्वस। एक्वेस है तो वाटर है। अभी तो दोनों ही तरफ एच एच है तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको, कोई भी एच ले लो।
सीएल और ओएच में से क्या जाना चाहिए? सीएल। एच प्लस का एच टू हो गया। सीएल माइनस का सीएल टू। नाइन्थ क्या है? सर H2SO4 aqueous low charge density। लो चार्ज डेंसिटी वाला, ठीक है। मतलब लो चार्ज डेंसिटी जब कभी भी बोला जाएगा तो मतलब आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में ही आपको H2SO4 लेना है। और एक्वेस है तो वाटर ले लीजिए आप। अब बताइए कौन जाएगा, कोई भी हाइड्रोजन आप ले लो, और सल्फेट ओएच में से कोई भी ओएच आप ले लो, इसका ओ टू पक्का है और इसका एच टू पक्का है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया। टेंथ पे आते हैं, आपकी हाई चार्ज डेंसिटी बोला है ना, और अब की बार आपको सॉल्यूशन। यस सर, H2SO4 सॉल्यूशन हाई चार्ज डेंसिटी। जरा ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, H2SO4 सॉल्यूशन हाई डेंसिटी। हाँ, हमने ये रिएक्शन पहले भी पढ़ी है, आपको शायद याद नहीं आ रहा होगा, H2O2 की प्रिपरेशन में। ये आपको एनोड पर मिलेगा। हाँ सर, ये कैथोड पर मिल जाएगा। अगर याद हो तो। बट ये मतलब हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हाई डेंसिटी में क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया, पानी है ही नहीं। अब देखो H2S28 में अगर आपको थोड़ा याद आता हो तो पानी डालते थे हम, तो हमको H2SO4 और H2SO4 मिलेगा और हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलता था। H2O2 की बेस्ट प्रिपरेशन बोलते थे इसको हम लोग। हाँ सर, और सल्फ्यूरिक एसिड का भी प्रिपरेशन है ना ये सर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन। टेंथ के बाद बोलिए। CuSO4 सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, किसी को कॉपी करना है कि मैं आगे बढ़ जाऊं? सर एक मिनट सर। हो गया कॉपी?
जश जश देसाई यस सर, आपने क्या मैसेज किया बेटा, मैं समझा नहीं बात आपकी। सर आज आपको सॉल्यूशन का डाउट दे सकते हो। सॉल्यूशन बेटा आप लोगों का डिस्कस नहीं हुआ क्या अभी तक? नहीं सर। नहीं सर, आपने बोला था हम बाद में करेंगे। अरे बाप रे बाप, ठीक है इसको करके सॉल्यूशन के डाउट्स कर लेते हैं यार, कितना पेंडिंग है। चलो इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, इसको कंप्लीट कर लें। 10 हो गए ना, मैं आगे बढ़ाऊं उसको? यस सर। यस सर। चलो 11th पढ़ के बताओ क्या था। कॉपर सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर था ना? यस सर। यस सर। इसके बाद आप लोग ये खत्म करके ना जरा अपने वो निकाल लीजिए सॉल्यूशन का, तो खत्म करो उसको, ये तो लाइफ लॉन्ग चलने वाला हो गया है। जरा ये इम्पोर्टेंट है, फोकस करिएगा। जब हम सेम टाइप का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं ना, तो एक्चुअली बड़ा अजीब ही रिएक्शन होता है। हमारे पास सॉल्यूशन है, वाटर तो है नहीं, ठीक है, तो कॉपर क्या होगा, Cu+2 से Cu पे जाएगा, ये कहाँ पे हुआ, कैथोड पर हो गया। अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सल्फेट मूव करेगा, लेकिन क्या होता है, हमने तो कॉपर का एनोड बना दिया है, तो हमने इलेक्ट्रोड लिया है वो एनोड, कॉपर जो लिया है वो एनोड पर है, तो वो क्या बनाएगा, Cu+2 बना लेगा। Cu+2 ही बनते ही ये सल्फेट जो था वो इसके साथ रिकम्बाइन कर जाता है एंड अगेन फॉर्म कॉपर सल्फेट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ओवरऑल हुआ क्या है, ट्रांसफर ऑफ मेटल फ्रॉम एनोड टू कैथोड हुआ है, दिख रहा है आपको, समझा गाइस, क्लियर हुआ? और ये आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यूज होता है। ट्वेल्थ बोलिए, एकदम सिमिलर रिएक्शन हो रही है, Ag+ बनेगा, NO3 से कंबाइन होगा, AgNO3 बन गया। ट्रांसफर ऑफ मेटल फ्रॉम समझ आ रहा है भाई ये? यस सर। यस सर। ये कंप्लीट हो गया ना पूरा? सर लास्ट वाला बाकी है। इसके बाद एक और है क्या? अच्छा हाँ, सोडियम वाला। कॉपी करिए सर, NaCl equation Hg। ठीक है कॉपी करिए, इसके बाद वाले पे आते हैं।
हो गया। यस सर डन। जरा नेक्स्ट वाला पढ़ दो, क्या था? NaCl equation. H plus and OH minus. अब देखिए इसमें से कौन मूव करेगा? H plus मूव करेगा और H2 बना देगा। तो ये तो यहां तक तो नॉर्मल रिएक्शन हो गई है, बट Na plus जो है ना वो मर्करी के साथ चला जाएगा और अमलगम बना करके एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा। यहाँ पे ये अमलगम भी बन गया। Cl और OH- में से तो Cl चला जाएगा, लेकिन ये जो अमलगम बना है ये फर्दर रिएक्शन कर जाता है वाटर के साथ अगर आपको याद आ रही हो तो, ये भी रिएक्शन अपनी पढ़ी हुई है। तो NaOH प्लस H2 प्लस मर्करी फ्री हो जाती है। इसे हम बेस्ट प्रिपरेशन में डालते हैं हाइड्रोजन की। कर लीजिए कॉपी। कॉपी हुआ? नो सर, वन मिनट।
कॉपी हो गया भाई सबका? यस सर। तो निकालो फटाफट से डाउट। सबने खोल लिया भाई मॉड्यूल? क्यों भाई? यस सर। चलो 1 to 10 बोलिए मुझे। सर 10। 10। 1 to 10 में और कोई? नो सर, 1 to 10 में डाउट। ठीक है, 11 to 20 सर। क्या चीज बेटा? 15। 15 ओके। 14, 16 और 20 सर। 18 हो गया। अप टू 20? यस सर। अप टू 30? सर 27 और 26। अप टू 30? और कोई? 23 में भी है सर। ओके, अप टू 30 हो गया। अप टू 40? सर 39। हाँ सर 39। और अप टू 40? और कोई है? अप टू 40? अप 50? सर 45। सर 48। 45 एंड 48? यस सर। अप टू 50? सर 49। अप टू 50? अप टू 60? 56 57 58 59 60 तक हो गया। Yes, 60 also. Up to 70? सर 68 और 70। 68 and 62, 63. 2 and 3 है। Up to 70 हो गया। 65। सर 69। चलो up to 80 बोल दो। सर 74। 78। 74, 79. Up to 80? Sir, 80. Up to 90? Sir, 80 तक 76 और 77। 6 or 7? Sir, 85, 86. Sir, 81 भी। हाँ, और बोलिए। 89। ओके सर 87। और हो गया? हाँ सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए।
चल कि जितने कर पाते हैं अभी 11:15 बजे टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 10th किसका डाउट है? बोलिए 10th भाई बोलोगे? सर मेरा डाउट है। देखो आपको मोलैलिटी दी हुई है और हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ केन शुगर आर प्रेजेंट इन 534.2 ग्राम ऑफ इट्स एक्वेस सॉल्यूशन। ठीक है तो मोलैलिटी क्या होगी आपको बताना है। मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है आपको बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट और आपको क्या गिवन है? सॉल्यूशन गिवन है तो आप वेट ऑफ सॉल्यूट ले लो। सपोज डब्ल्यू ग्राम है, मोलैलिटी आपको गिवन है 0.2, हमने ले लिया डब्ल्यू ग्राम है। अपॉन मॉलिक्यूलर वेट शुगर केन का 342 है इन 2000 है। अब आप नीचे आपको देखो क्या दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है ना, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा। यस सर। ये लिख सकते हैं समझा कुछ? यस सर। बस हो गया एक्स, सॉरी एक्स लिख दिया मैंने, डब्ल्यू लिख दीजिए और डब्ल्यू आपको फाइंड करना है। यस सर हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। 14 पर आते हैं। 14 किसका डाउट है? सर मेरा डाउट है। एक चीज जो बता रहे हैं ट्रिक को याद रखें, फॉर डिसोसिएशन और आयनाइजेशन आई की वैल्यू यानी वांट ऑफ फैक्टर बोलेंगे या रेशियो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप बोलेंगे, वो लेस देन 1 होता है। एंड फॉर एसोसिएशन अब इसका लॉजिक क्या है हम पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप जरा K4FeCN6 को आयनाइज करो तो कितने आयंस मिलेंगे? बोलिए इतने मिले ना, सही लिखा है मैंने? यस सर। यस सर। और इसे आयनाइज करो तो कितने मिलेंगे? 4+3=7। सॉल्व कर लो। समझ आ गया? यस सर। ठीक है 15 पर आ जाओ। इफ द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.045 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन पढ़ा था, याद आ रहा है? यस सर। वेंट ऑफ फैक्टर यानी आई की वैल्यू दी है 0.005। और केसीएल बोला है, केसीएल हो गया एन, केसीएल की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि एक के और एक सीएल है। अरे मैंने आई की वैल्यू 1.95 दी है। सॉल्व भी करके आप तुरंत देख लीजिएगा 1.95 दी है
एन की वैल्यू 2 दी, आपको अल्फा निकालना है। फटाफट से सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है? आया आंसर? हाँ सर, 0.9 पर मैच कर रहा है। यस सर। किसी को कुछ कॉपी करना है? मैं पेज आगे करूं सर, एक सेकंड सर, वन मिनट सर। Done, sir. ठीक है, 16 the value of observed and calculated molecular mass respectively, degree of ionization. तो आपको अगर याद हो तो फॉर्मूला जो होता है मॉलिकुलर मास के केस में रिवर्स होता है, पता है कि नहीं पता है? कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व होता है कि ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड होता है? जल्दी बोलो सर, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। याद आ रहा है बराबर? तो ये रेशियो से आपको आई मिल जाएगा 65.4। मुझे ठीक नहीं लग रहा आप जो बोल रहे हैं, आप जरा एक बार प्लीज नोट चेक कर लें। कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व होता है मॉलिकुलर मास के केस में। प्लीज एक बार फॉर्मूला चेक करें। Yes, sir. 65.4 जरा डिवाइड कर दीजिए, आई कितना आ रहा है यहाँ से? सर 2.507। ये आपका आई आ गया। आपको अल्फा निकालना है, आई माइनस वन यानी 2.5 माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अब सॉल्ट कैल्शियम नाइट्रेट है तो 3 आयन मिलेंगे, 3 माइनस 1। तो ये ऊपर हो गया 1.5 और नीचे हो गया 2, 0.7 समथिंग आ रहा होगा। और एक और चीज बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों कॉन्फिडेंट था कि आपका फॉर्मूला गलत है, क्योंकि मुझे पता था आई का वैल्यू तो मोर देन ही आना चाहिए ना। yes, समझ आ रहा है? हाँ, वरना यहाँ पर आप आई माइनस वन कैसे करते हैं? हाँ सर, अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ देखो यार, मैंने ना खुद ने भी ये रॉन्ग लिख दिया है, ये ऐसा होगा, उल्टा लिख दिया था। तो वो अपने आप ही पता चलता है, अगर आप मिस्टेक करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ आप गलत फॉर्मूला यूज कर रहे हो। 18 और 20, 18 किसका है? भाई जल्दी बोलो। सर मेरा। आपको एसोसिएशन वाला फॉर्मूला बताना पड़ेगा, जल्दी से बोलो। एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या था? अल्फा इज़ इक्वल टू, कुछ ऐसा था क्या? प्लीज देख करके बताएं क्या था फॉर्मूला, जल्दी। सर आई माइनस वन माइनस आई अपॉन वन माइनस वन बाय एन। सही लिखा है? हाँ सर, यही है। तो इफ सॉल्यूट अंडरगोज डाइमराइजेशन द वैल्यू ऑफ एंट्रोफैक्टर,
तो इन्होंने हमको अल्फा के बारे में तो दिया नहीं है, तो अल्फा हम ले लेते हैं 100%, यानी अल्फा 1 ले लेते हैं। अब डाइमर बोल रहा है तो एन की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 2। करो सॉल्व इसको, क्या आएगा, 1 माइनस आई इज इक्वल टू 1/2 0.5, तो आई कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा, 0.5 आ जाएगा। हाँ सर, और फिर एन की जगह 3 डालेंगे ना, हाँ एन की जगह 3 डाल दो तो दूसरा वाला आ जाएगा। हाँ समझ गया सर, ठीक है। 18 के बाद 20 था ना शायद, कॉपी कर लो भाई, पेज चेंज करना है मुझे। 20, 23, 26, बीस किसका है, डिसॉल्व इन सर, 20 मेरा है। देखो केस एसोसिएशन का समझ में आ रहा है आपको, और आपको बोले डाइमराइज हो रहा है, दिख रहा है कंप्लीट। तो एन की जगह पे आप 2 रखोगे, अल्फा की जगह पे आप 1 रखोगे, तो आई कितना आता है, 0.5। पता कैसे चला कि एसोसिएशन, आप ब्रैकेट में देखो लिखा है एज्यूम कंप्लीट डाइमराइजेशन, लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। अब आई, अब जो मॉलिक्यूलर मास के केस हमने अभी अभी आपको बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व। यस सर। तो कैलकुलेट आप कर लो कितना आ रहा है, ऑब्जर्व आप बता दोगे। तो बेंजोइक कैसे डिसॉल्व बेंजीन कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके बताओगे, बेंजोइक एसिड का मास कितना होता है भाई, 92। हाँ जी, कर जल्दी सम, कितना आ रहा है, कितना बेटा, 122। वैल्यू रखिए और सॉल्व कर दीजिए, तो कैलकुलेटेड आपको पता चल गया 122 है, आई आपको 0.5 पता है, तो ऑब्जर्व कितना हो जाएगा, 61। हाँ जी, 244। हाँ ठीक है, समझ आ गया भाई, किसका डाउट था? यस सर, मैं समझ आ गया। The relation between osmotic pressure, 10 gram of glucose, 10 gram of urea and 10 gram of sucrose are dissolved in 250 ml of water. The relationship of osmotic pressure, na, nikal sakte hai na? CRT hota hai, temperature constant hai, to C pe depend karega. P1, C1, P2, C2, is tarike se karte jayenge, to hum C1 pehle nikal dein. 10 gram glucose, to 10, 10 by 180. और वॉल्यूम कितना बोला, 250 ml वाटर, ये हो गया P1, C1 हो गया, C2 निकालो, 10 ग्राम यूरिया, तो 10/60 और 250 ml, इसका भी कोई रोल नहीं रहेगा, हालांकि C3 क्योंकि सेम वॉल्यूम है, और 10 ग्राम सुक्रोज 342। किसका ज्यादा होगा बोलिए,
बस तो हो गया C2 C1 C3, इसी के हिसाब से प्रेशर लगा दो तो P2 यस सर, P3 ठीक है ना। हाँ सर 26 सेपरेटली मोलारिटी ऑफ बोथ देखो, मोलैरिटी का मतलब तो होता है कॉन्सेंट्रेशन, पता है कि नहीं पता आपको? Yes, तो क्या रिलेशन होना चाहिए, एक KNO3 है और एक एसिटिक एसिड है, तो मोलैरिटी आपको पता है यानी मोल पर लीटर पता है आपको। कुछ आइडिया है किसी को कैसे सॉल्व होगा ये? देखो P1 P2 I2 C2 हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन तो दोनों का सेम है। अब हमको क्या देखना पड़ेगा, I1 देखना पड़ेगा, I2 देखना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो KNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है? यस सर। तो उसका आयनाइजेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो पता चल गया हमको कि I1 को ज्यादा होना है I2 से, तो अरेंज कर दो। तो सर P1 greater than P2 हो जाएगा। हाँ हाँ किसका डाउट है? देखिए 5.85%, मतलब 5.85 वेट बाय वॉल्यूम दिया है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, 58.5 हो गया ठीक है। इन 100 ml होगा क्योंकि परसेंट में गिवन है। इतना कॉन्सेंट्रेशन जिसका भी होगा वो इसके क्लोज होगा। बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब आप चेक करिए ये कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, इसको सॉल्व करो जरा। ये 1/10 हो गया, 10^-3 आया क्या? हाँ सर। Yes, sir. अब इसको चेक करिए किसके इक्विवेलेंट होगा ये। अच्छा दूसरा ये NaCl था ठीक है, तो NaCl में एक I का फैक्टर भी आ जाएगा और I कितना होगा 2, बराबर लिखा है मैंने? Yes, sir. और ये हमने जो लिया है वॉल्यूम किसमें लिया होगा, ml में, तो इसको लीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो अब चेक करिए अपने सारे ऑप्शंस किसमें 2 आएगा आंसर, जहां पे 2 आ रहा होगा वही होगा। सर ये वाला एक और बार समझा सकते? हाँ हाँ, उन्होंने हमको दिया था कि 5.85% वेट बाय वॉल्यूम NaCl है, तो वेट बाय वॉल्यूम हमको ml में होता है, तो हमको 5.85 वेट था डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दिया ठीक है। अब 100% बोला तो हमने 100 में निकाला है, 100 ml में, उसको लीटर में बदलोगे तो 2 हो जाएगा। आई की जगह पे 2 क्यों आएगा, क्योंकि NaCl है, एक सोडियम और एक क्लोराइड देगा, समझा? यस सर। बस तो अब ये वैल्यू जिसके साथ मैच कर रही है वही आंसर है। आप एक बार सब पे अप्लाई करके देख लीजिए, सब में यही करना है। जैसे ऑप्शन ए में वेट बाय वॉल्यूम दिया है तो वेट नीचे मॉलिक्यूलर वेट सुक्रोज का आएगा 342, ऐसे ही दिख रहा है अलग हो गया। ऑप्शन बी में ग्लूकोज आएगा तो 180 हो गया, अलग हो रहा है। ऑप्शन सी में सुक्रोज पूरा पूरा सॉल्व करके दिया, सीधे सीधे 2 दिया है, तो 100% वही होगा।
सर फिर इसका आंसर सी होगा. सी होगा ठीक है. यस सर. चलो 39 किसका है बोलिए. 39 सर मेरा डाउट है भाई. ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है बताओ. लिक्विड सॉल्वेंट का ना. सॉल्वेंट क्या है आपके पास. वॉटर. अब क्वेश्चन में कह रहा है FeCl3 ऑन रिएक्शन विद K4FeCN6 एक्वस सॉल्यूशन गिव्स कलर. दे आर सेपरेटेड बाय SPM AB ड्यू टू ऑस्मोसिस देयर इज. तो कलर तो बेटा तब होगा जब सॉल्ट मिक्स होंगे. और यहाँ सॉल्ट मिक्स हो पाएंगे क्या बोलिए. नो सर. तो जब सॉल्ट मिक्सिंग ही नहीं होगी तो कलर कैसे आएगा. सिर्फ वाटर ही तो मूव कर रहा है. समझा. यस सर. 45 किसका है हाईएस्ट बिल्डिंग पॉइंट. देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. अब आपको बोल रहा है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा तो फटाफट जरा सब सॉल्व कर लीजिए. ऑप्शन ए में बोल रहा है 2 मोलार NaCl. NaCl यानी 2 × 2. पहला जो 2 लिखा है हमने वो Na और एक Cl का मिला के लिखा है. 2 आयंस होंगे. ऑप्शन बी में कह रहा है 1.5 AlCl3. AlCl3 कितने आयंस हो गए 4. सी 1 मोलार एल्युमिनियम सल्फेट. एल्युमिनियम सल्फेट के टोटल आयंस कितने हो गए 3 × 2 = 5. और ऑप्शन डी 3 मोलार यूरिया. यूरिया के लिए 1 होगा क्योंकि वो आयनाइज नहीं होता. चेक करिए फटाफट से. ये 4 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये 5 आ रहा है और ये 3 आ रहा है. हमने आपको अभी अभी ये रिलेशन बताया है. चेक करिए. तो आंसर डी होगा ना सर. हाँ जी. 48 पर आते हैं. 48 किसका है सर. मेरा. बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट मॉडल देखिए 48 में आपको अल्फा पूछ रहा है. पर अल्फा से पहले आपको आई निकालना पड़ेगा. आपका फॉर्मूला ये है.
रखते हैं वैल्यूज, डेल्टा टी आपको गिवन है, अरे मैंने के का तो फैक्टर लिखा ही नहीं, डेल्टा टी 0.74 है, ठीक है। आई आपको निकालना है, के आपको 1.86 गिवन है, वेट ऑफ सल्यूट आपको 20 ग्राम बोल रहा है, मॉलिकुलर वेट आपको 100 बोल रहा है, ऊपर 1000 आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको 500 ग्राम बोल रहा है। सॉल्व करो जरा, आई कितना आएगा जल्दी से बताओ, देख चेक करो मैंने सही लिखा है कि नहीं। हाँ सर सही है। आंसर फाइनली बोलो कितना आएगा, सर आंसर 0.99 आ रहा है, ठीक है। ये आपका आई आ गया, ठीक है। अब अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, आई माइनस वन। अब ये तो ऐसे ही दिख रहा है, गड़बड़ होने वाला है, और एन कितना है, बाइनरी सॉल्ट हो रहा था तो टू माइनस वन हो गया। करो सॉल्व कितना आ गया, ऊपर वाला है अप्रोक्स 2-1 हो गया। हाँ तो सर अनडिफाइंड हो जाएगा ना, सॉल्यूशन कंटेनिंग 28 ग्राम फास्फोरस इन 3.5 ग्राम CH2 बल्क इतना 12 सेट इतना Kb for CH2 complete association बोलता है, ठीक है। हमको तो देखो पहले तो I ही निकालना पड़ेगा, पहले तो डेल्टा T क्या हो जाएगा, तो 47.9 माइनस 46.3 डेल्टा T आ गया आपका। I आपको निकालना है, K आपका 2.34 गिवन है, 28 ग्राम आपको बोल रहा है। अब आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला ही नहीं पता है, एज्यूमिंग कंप्लीट एसोसिएशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट 315 अब देखो जब आपको वो बोल रहे हैं ना कंप्लीट एसोसिएशन, तो कंप्लीट एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया, 1 - I / α की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। yes, तो हम क्या करते हैं, आई की जगह पे 1 रख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। जरा एम निकालो कितना आएगा यहाँ से, पहले सर एन जीरो आएगा ना, एन जीरो आ रहा है, तो मुझे भी जीरो ही आया। एक मिनट, हाँ सर वन आएगा, आप गड़बड़ कर रहे हो कुछ, तो आपने सब्ट्रैक्ट किया इसको तो कितना आया, ये 1.6 आया ये, yes,
इसको सॉल्व करना है आपको T15 into 1.6 इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। करो सॉल्व कितना आ रहा है। सर 130 130 आ रहा है ना। अब मुझे ये बताओ कि एक एटम का मास कितना होता है फास्फोरस का। फास्फोरस के एक एटम का मास कितना होता है। बोलिए एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस कितना होता है। जल्दी से 30 होता है। चेक करो जरा। सर 31 31 होता है और आपके पास टोटल मास कितना है 130। तो 130/31 करो जरा कितने एटम से पता चल जाएगा आपको। यस सर 4 point something आएगा यानी 4 एटम्स हो गए। समझा। यस सर। किसका डाउट था। क्लियर हो गया ना भाई। आगे पर आते हैं। सर एक बार आप 39 दिखा सकते हो। कौन सा बता दें। सर 39 सिर्फ कॉपी नहीं किया था क्या। नहीं सर। नहीं भैया सर 39 लो। सही है। हो गया भाई। यस सर। यस सर। ठीक है चलो आ जाओ वापस से आगे। 54 किसका है। बोलिए फटाफट से। बोलोगे भैया। यार लोगों का प्रॉब्लम यही है तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो तो कैसे सॉल्व होगा ये। डेल्टा मेरा है सर। हाँ NaCl 2 है। के आपको 0.51 गिवन है और मोलालिटी 0.1 गिवन है। करो सॉल्व कितना आया डेल्टा टी।
कितना हुआ? 0.102 हाँ इतना आ गया, ये आपका एलिवेशन आ गया। और आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री होता है। एलिवेशन कितना हो गया? 100 प्लस 0.1 हो गया। हाँ सर। 56 किसका है? मेरा। बेटा अभी अभी पीछे देखो, एक बताया था डेल्टा टी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फ्रीजिंग पॉइंट वाला। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर क्या था वो? ये वाला 45। हाँ ये देखिए, ये लिखा है मैंने यहाँ पर फॉर्मूला, ये वाला आपको लगाना है। इसमें चाहिए तो आई इंटू एम बी कर लो, यहाँ भी आई इंटू एम बी कर लो मोलैलिटी। अब इसको अप्लाई कर दीजिए, जिसमें जितने ज्यादा आयंस मिलेंगे वही आंसर होगा, तो आंसर सी हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड। क्लियर है? Yes, sir. 56 हो गया, 57 किसका है? मेरा। फ्रीजिंग पॉइंट इतना, assuming 100% ionization of a complex salt, Ka for water is enough. ठीक है बेटा, आपको ना I निकालना है, I से आपको पता चल जाएगा कि कितना ionization हो रहा है। तो सीधे फॉर्मूले पे आ जाते हैं, डेल्टा टी आपको गिवन है, बहुत बड़ा वैल्यू है यार, 0.00558। आपको मोलैलिटी भी गिवन है 0.001। आपको के की वैल्यू गिवन है 1.86। आपको आई नहीं पता है, तो एक काम कर लेते हैं हम, जरा आई निकालते हैं यहां से। आई निकाल के बताओ कितना आ रहा है? बेटा जल्दी से निकालो आई। सर 2.9, तो अप्रोक्स 3। तो आई आपका आ गया अप्रोक्स 3। तो अब आपके ऑप्शंस को देखिए, किसमें तीन आयंस मिलेंगे आपको? सी। किसमें सर? Ma6A2। हाँ, क्योंकि ये ऐसे लिखा हुआ है Ma6A2, तो ये अगर आयनाइज होगा तो दो ये हो गए और एक ये पूरा हो गया, ठीक है ना? Yes, sir. 58 किसका है? सर मेरा है। An aqueous solution of a solute which neither associate or dissociate has a freezing point depression x degree. An equimolar solution of second sort depression is 3.0x. Assume 100% dissociate. ठीक है बेटा, आपको I compare करना है केवल बस। देखो I क्या होता है आपका? Observe upon calculated, यही होता है ना सारे colligative properties के लिए, except molecular weight। तो apply करिए, आपको I पहला वाला तो आपको बोला ना, associate होता है ना dissociate होता है, depression उसका x है। दूसरा वाला जो है second salt, उसका freezing point 3 है। तो I कितना आ जाएगा? ये 1/3 नहीं हो गया? सही लिखा है ना? Yes, sir. तो I is equal to 3 मिलेगा हमको यहाँ से? उल्टा लिख दिया यार मैंने। I is equal to, देखो 3 आ जाएगा यहाँ से आपको। तो अब चेक करो कि कौन से वाले सॉल्ट से तीन आयंस मिल रहे हैं आपको। सर B। B से मिल रहा है, हो गया 59। A2B3 60% ionized, boiling point of the solution. किसका डाउट है ये? सर मेरा। देखिए आपके पास अल्फा दिया है 60%, n आपको पता है A2B3 है, यानी 5 हो गया n का वैल्यू। तो i निकाल लीजिए पहले यहां से कितना आ गया,
आई निकाल के बताइए, हम डेल्टा टी फिर निकालेंगे आई इंटू के इंटू एम से। आई आप बता दीजिए हमको, के हमें पता है 0.52 है, मोलैलिटी भी हमको पता है 1। आई बताइए कितना आ रहा है, पक्का ना? Yes, ये आपका आ गया, डेल्टा टी यहां से निकाल दीजिए, और क्योंकि वाटर के लिए बोल रहा है तो प्लस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373, उसमें ऐड कर दीजिएगा, केल्विन में आंसर चाहिए आपको, आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. कर लीजिए कॉपी फटाफट से, इसको करना हो पेज चेंज करना। चलो भाई 62 पर आते हैं। 62 किसका डाउट है भाई? सर 61 भी था सर। 1 भी था? यस सर, मैंने बोला था सर 1। अच्छा भाई, देखिए 61 करने के लिए तो आपको सीधा सीधा रिलेशन आपको चाहिए, इज इक्वल टू आई के बी एम होता है, और फ्रीजिंग के लिए आई के एफ एम होता है। आप इनको कर दीजिए डिवाइड, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ आया भाई? समझ आया? डिवाइड करिए इसको, आंसर आ जाए। यस सर। देखिए सब कैंसिल हो जाएगा, के बी के एफ आपको पता है, टीबी आपको पता है, टीएफ निकालना है बस, सॉरी टीएफ आपको पता है, टीबी आपको निकालना है, समझा? यस सर। आपको मैंने ये फॉर्मूला नहीं बताया था क्या केबी के लिए? तो बस 62 किसका डाउट है? ये पूछ रहा है आपको
बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 110.7 है, आर आपको पता है जूल में लेना है 8.31, के आपको पता है, बस यूनिट्स का ध्यान रखना हो जाएगा। समझा भाई? यस सर। कर लीजिए भाई, टू के बाद थ्री पर आते हैं। 63 किसका है? बोलिए भाई, 63 किसका है? सर मेरा है वो। बेटा फिर से हमको आई निकालना है केवल। हंड्रेड परसेंट पॉलीमराइजेशन बोल रहा है। ट्वेल्व पॉइंट टू ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, फ्रीजिंग पॉइंट 2.6। इनटू के का वैल्यू 5.2। जरा आई निकाल के बताओ कितना रहा फटाफट से पहले। कितना रहा बेटा? 1/2। 1/2 पक्का? मतलब 0.5 आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था? 1 - i / 1 - 1/n। अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि वो 100% बोल रहे हैं। n निकाल के बताओ कितना आया? यहाँ 0.5 रखोगे? 1 - 1/n इज इक्वल टू 0.5। करो तो सॉल्व, 2 आ जाएगा। समझ आया? यस सर। 65 सर, एक मिनट सर, ये कॉपी करना था। करिए करिए। हाँ देखिए, ये फॉर्मूला था आपको अगर याद आ रहा हो तो, राउल्ट्स लॉ में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NB मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। किसका डाउट है भाई, समझ आ रहा है उसको? डिराइव किया था हमने। यस सर। ठीक है, और पी नॉट आपका आ गया, तो भाई कौन पूछा था?
सर आप एक बार 64 भी कर सकते हो। बोलिए किसका डाउट है सर, आप एक बार 64 कर सकते हो। यार आप लोग अगर ऐसे करोगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा भाई। कहां से अचानक से 64 आ गया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 75 डिग्री सेल्सियस 296 और वेपर प्रेशर लोवरिंग इज ड्यू टू 0.1 मोलर सॉल्यूट। ये आपको रिलेशन याद आ रहा है? यस सर। इसमें पी नॉट माइनस पी एस क्या होता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको क्या पूछ रहा है सर? वही पूछ रहा हूँ। समझ आ गया अभी? यस सर। मुझे जरा 68 बताओ किसका था। एन आइडियल सॉल्यूशन हैज इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी इन द वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी किसका डाउट है? 68 अच्छा क्वेश्चन है। किसका है बोलिए? पहले तो आप एक ये फॉर्मूला लिख लीजिए, देखिए इस पे ही क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, इसके लिए आपको पी नॉट तो एक्स ए अपॉन टोटल प्रेशर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी 68 क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका इक्वल मोल फ्रैक्शन है वोलेटाइल में, तो वेपर फेज में उनके मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होगा? तो देखो मोल फ्रैक्शन कितने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। P नॉट पे डिपेंड करता है, टोटल प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर x से इक्वल हो गया है तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज भी इक्वल होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। टोटल प्रेशर कैसे निकलता है याद आ रहा है हमको कुछ? P नॉट ए एक्स ए प्लस याद आ रहा है कुछ ऐसा किया था हम लोगों ने? हाँ सर। ए के लिए फिर बी के लिए इसी तरीके से पी नॉट बी एक्स बी। तो अगर किसी का एक फेज में इक्वल है तो इट डजंट मीन कि दूसरी फेज में भी वो मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा। बस ये बात आपको याद रखनी जो वहां पे पूछा है। पी नॉट ए एक्स ए। सिक्सटी नाइन किसका है? बोलिए बेटा किसका है? 69 किसी का है कि नहीं है? छोड़ दें ठीक है, चलो 70 बोलिए। 70 किसी का है कि वो भी नहीं है? यस सर, 70 मेरा है।
देखो 17 के लिए मैंने आपको एग्जांपल्स लिखाए थे, अगर आपको याद आ रहा हो, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन वाले, कुछ याद आ रहा है? पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स, नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही देखिए आप, जहां पे नॉन आइडियल बताया था आपको। क्यों भाई? Yes, हाँ, तो वहीं पर ही बेटा एग्जांपल्स लिखें, एग्जांपल देख के ही बताना है आपको, और कुछ नहीं है। एग्जांपल याद है तो आप कर पाओगे, एग्जांपल नहीं पता तो नहीं कर पाओगे आप। Yes, sir, negative होगा। हाँ, वो बेटा एग्जांपल याद है तो मैं भी तभी बता पाऊंगा, आप भी तभी बता पाओगे जब आपको एग्जांपल याद हो, वरना नहीं पता चलता। वो हमने 70 तक कर लिया है, 70 के बाद है 4, 6, 7, 8 74 किसका डाउट है सर? मेरा है सर। देखो, द वेपर फेज ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन at 50 degree Celsius are 408 and 141 torr respectively. The composition of the vapor phase binary solution composition in the vapor binary solution containing a mole fraction itna, mole fraction of heptane heptane. अभी अभी मैंने जो बेटा formula ऊपर लिखा है ना, please वो formula copy करिए, सीधे सीधे formula apply करना है आपको। कहाँ गया formula? अरे कितना उत्तर लग गया, ये वाला mole fraction in vapor phase आपसे पूछ रहा है, दिख रहा है भाई आपको? समझ आ रहा है कुछ? देखिए, टोटल प्रेशर निकालना है आपको। अब आपको जिसके लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, सपोज आपको ए के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसका मोल फ्रैक्शन जो गिवन है उसका प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर आपको करना है एवरी टाइम, और टोटल प्रेशर इस तरीके से निकलेगा। फॉर्मूला नोट करें, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेवेंटी सिक्स किसका है? सेवेंटी सिक्स बोलेंगे? अरे बोलो भैया, किसका है? पता नहीं सर। हाँ, दो गई यार ये, उसका भी सीधा सीधा फॉर्मूला है ये, ए और बी मोल फ्रैक्शन, ए और पी, ए पी भी प्रेशर गिवन है, टोटल प्रेशर आपको निकालना है। 78 किसी का है कि नहीं है सर? मेरा है आपका। वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल एल्कोहल एंड मिथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, 1 1 देखिए जरा, आपको ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और आपसे बोल रहे हैं लिमिट एक्स ए इज इक्वल टू जीरो, तो इसकी जगह पे आप जीरो रख दो तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? 140 हो गया। समझ आया क्वेश्चन? सर एक्स ए जीरो क्यों दे रहे हैं?
आपको क्वेश्चन में देखो लिमिट दी x से गिव्स इज जीरो, देखो क्वेश्चन में लास्ट लाइन द वैल्यू ऑफ लिमिट, यस सर। हाँ तो बस फिर आपको टोटल प्रेशर पता है, अब x से अगर जीरो हो गया तो x भी कितना होगा, वन होगा, यस सर। टोटल क्या हो जाएगा, p नॉट b x भी होगा, तो p नॉट b कितना आ जाएगा, टोटल आपने 140 निकाल दिया by 1 हो जाएगा, समझा? Yes, sir. 79 PAB is given of an ideal solution and C at 25 degree Celsius KAC, X being mole fraction of A in the solution, the vapor pressure. देखिए इसको भी आपको इसी इक्वेशन के साथ, जो 78 वाली इक्वेशन है ना, इसी के साथ कंपेयर करना है आपको। और आपको मैं एक चीज यहाँ पर बता दूं कि इस तरीके की जो भी इक्वेशन लिखी जा रही हैं, तो आपको याद हो कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन होता है, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, वन माइनस एक्स ए, तो चलो अब इसको उठा करके यहां रख देते हैं। पी नॉट बी वन माइनस एक्स ए, करो इसको जरा सॉल्व क्या आएगा, यही आया ना? Yes, sir. अब इसे सिंप्लीफाई करके लिखो तो क्या लिख सकते हो आप इसे, को कॉमन ले सकते। हाँ तो बस आपको जो इक्वेशन दे रहे हैं ना बार बार क्वेश्चन में, वो आपको यही दे रहे हैं, 33x plus 94 जो लिखा हुआ है ना, ये 33x और ये गिवन है आपको इस तरीके से, तो आपको दोनों में वैल्यूज पुट करनी है और उसको कंपेयर करना है, ठीक है? आप एक बार वैल्यूज पुट करके कंपेयर करिएगा, इसके बाद भी पांच रह जाएंगे, 80 किसका है, 80 बेटा किसका है सर, मेरा है वो, अभी अभी एक क्वेश्चन किसी ने ऐसा ही पीछे और भी पूछा था ना, हाँ ये 64 पूछा था, यस सर। एक बार हम डेराइव कर देते हैं आपके लिए इसको, देख लो आप, ये ऐसा होता है, मोलैलिटी की डेफिनेशन बताएगा कोई हमें सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है ना,
ये मैंने क्या लिखा है आपको समझ आ रहा है? ये वाला रिलेशन हमने निकाला था, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, याद आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, हमने NB को लिख दिया वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट. अब एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ फॉर्मूले में 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो आप जरा देखिए कि ये जो है, अगर आप इसे इतना कवर करते हो तो ये फॉर्मूला क्या बनता है? मोलैलिटी है कि नहीं ये? Yes, sir. Into molecular weight of solvent. Is equal to ये हो गया आपका P naught minus PS upon PS. यहाँ 1000 है, इसको चाहिए तो यहाँ डिनोमिनेटर में ले आओ. हो गया. अब ये रिलेशन है आपका मोलैलिटी के साथ, आप इसको यूज करो. 64 में भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो और 80 में भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो. आपको रिलेटिव लोवरिंग पूछ रहा है, यानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस आपको करना है. मोलैलिटी आपको पता है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है, कर दीजिए सॉल्व. या जो भी आपको फाइंड करना है आप उसके हिसाब से कर सकते हो. क्लियर है बात? Yes, sir. इसे कॉपी कर लीजिए. 80 तक हमने कर लिया है, आगे के 5, 6, 7 जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे. यस सर. ठीक है बेटा, तो करिएगा आप लोग प्रैक्टिस, और जो टॉपिक आज हमने पढ़ाया है उसका नेक्स्ट पार्ट भी हम नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके 5 ही क्वेश्चन रह गए हैं तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा अपना. यस सर. ठीक है. यस सर. ओके बेटा, चलो बाय बाय. Bye sir, thank you sir.